हमारा देश भारत विविधताओं का देश है और यही यहाँ की सबसे बड़ी खासियत भी है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म में अपनी विविध मान्यताएं हैं। आज कौतान कुलांगरा देवी मंदिर के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के नियम, यहाँ के कानून और यहाँ की मान्यताएं अपने आप में सबसे अलग, सबसे जुदा हैं। आज से पहले कई बार आपने ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा जहाँ महिलाओं का जाना मना है, जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। लेकिन जिस मंदिर के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ पुरुष के आने पर पाबंदी लगी है। जी हाँ, यह एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसमें पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर कोई पुरुष यहाँ जाना भी चाहे तो उसे प्रवेश करने के लिए एक स्त्री का भेष धारण करना पड़ता है। चलिए इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। दरअसल इस मंदिर की प्राचीन प्रथा है जो सालों से चलती आ रही है। यहाँ पूजा करने के लिए केवल महिलाएं और किन्नर ही जा सकते हैं। अगर पुरुषों को इस मंदिर में जाना है तो उन्हें एक महिला के कपड़े पहनकर प्रवेश करना पड़ेगा। मंदिर की इस प्रथा की सबसे खास बात ये है कि यहाँ प्रवेश करने के लिए पुरुषों के लिए सिर्फ महिलाओं की तरह वस्त्र धारण करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें महिलाओं की तरह साज श्रृंगार भी करना पड़ता है। बता दे आपको, श्री कौतान कुलांगरा देवी मंदिर में हर साल जामिया विलक्कू त्योहार मनाया जाता है, जिसमें हजारों पुरुष भक्त आते हैं। इस त्योहार का हिस्सा बनने के लिए, इस त्योहार में शरीक होने के लिए पुरुषों को बकायदा मंदिर में मेकअप का, श्रृंगार का, सजने का, सवरने का सारा सामान दिया जाता है। यहाँ उनके त्योहार होने के लिए, यहाँ इस त्योहार में उनके सजने के लिए ना सिर्फ मेकअप बल्कि साड़ी और गहने के साथ गजरा तक रखा होता है। जब तक पुरुष 16 श्रृंगार ना करे तब तक वो इस मंदिर में यह त्योहार नहीं मना सकते, ऐसे यहाँ के नियम है। इस मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह गर्भगृह के ऊपर छत या किसी तरह का कोई कलश नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।